So this is biotechnology's second chapter, that is its applications. First, we have completed the biotechnology principles and processes. ठीक है, तो principles and processes में हमने पढ़ा कि हमने biotechnologically कैसे genetical engineering मतलब हमने perform किया, RDNA बनाया, recombinant बनाया और उसके नवे cells जो है वो generate करवाए. ठीक है, so that there can be a benefit into a पूरा जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन है उसका yield है, उन चीजों में हमारे को जो बेनिफिट है वो मिल सके या फायदा मिल सके. उसको भी हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले, दैट इज ऑफ द बीटी कॉटन. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका, दैट इज ऑफ बीटी कॉटन इटसेल्फ, जिसमें हमने सोचा था कि इफ द कॉटन प्लांट, दैट इज हमने केस बनाया कि इफ द कॉटन प्लांट इज हैविंग द लेसर यील्ड ऑफ द फाइबर्स, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड जेनेटिकली एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द डीएनए और द रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी मेड इन दैट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट फर्दर. ठीक है, सो दैट एग्जाम्पल विच वी कंसिडर फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो, दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. इन द एप्लीकेशन देर आर नंबर ऑफ द क्रॉप इन टूडेज एरा, दैट इज नंबर ऑफ द क्रॉप विच हैज बीन मॉडिफाइड जेनेटिकली, नंबर ऑफ एनिमल्स हैव बीन गिवन द न्यू, यू कैन से द न्यू करेक्टर्स लाइक फॉर चेकिंग ऑफ द मेडिसिन बेसिकली जो एनिमल्स हैं, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर न्यू करेक्टर्स जो है वो हम बना नहीं सकते. ठीक है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये टेस्टिंग्स नहीं करी जा रही है, लेकिन एनिमल्स के ऊपर नमे करेक्टर्स जैसे एक ट्रांसप्लांट एयर है सिर्फ, ईयर ऑफ ह्यूमन बींग ऐसा स्ट्रक्चर माइस के ऊपर बनाया हुआ है, ये बहुत सारी चीजें मतलब एनिमल्स को भी ट्रांसजेनिकली ट्रीट किया गया है फॉर प्रोड्यूसिंग द नरिश्ड मटीरियल मोर इन अमाउंट, जैसे काउज मिल्क है रोजी का. ठीक है, तो उस कंडीशन में काउ यील्ड जो सॉरी प्रोटीन यील्ड था उस काउ का मिल्क का, तो दैट वॉज हैव बिन इंक्रीज. ठीक है, दैट हैड बिन इंक्रीज राइट. सो ये सारी चेंजेस जो करी हैं, सो दैट हैज गिवन रीजन टू और दैट हैज गिवन राइज टू द बेसिकली द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और द ट्रांसजेनिक प्लांट्स और द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिनमें चेंजेस करा है जीन में. ठीक है, एनिमल्स में हम लोग पूरा का पूरा क्लोन नहीं बनाया या ह्यूमंस में पूरा क्लोन नहीं बना सकते, बट येस ऑर्गन्स कैन बी मेड. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन टाइप्स मतलब अगर हमें बनाने हैं या टेस्टिंग करनी है मेडिसिन की, तो उन चीजों के लिए ये यूज हो रहे हैं. तो ये एप्लीकेशंस हैं ऑन एंड ऑल समड अप एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. तो जो डिटेल्स में हमने पढ़ी, पहला एग्जांपल हमारे पास बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन कॉटन प्लांट विच वाज अ होस्ट एंड दिस हैज प्रोवाइडेड द फॉरेन डीएनए आरडीएनए. याद करो बायोटेक्नोलॉजी वन जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो होस्ट है उसको हमने मॉडिफाई करना है बाय प्रोवाइडिंग द फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए हमने किसका लिया है, बीटी का लिया है. ठीक है, तो फॉरेन डीएनए बीटी का लिया और इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट के अंदर, यानी कि नॉर्मल कॉटन प्लांट के अंदर, देयर बाय क्रिएटिंग अ न्यू कॉटन प्लांट विच वाज नॉट हैविंग एनी ऑफ द साइड इफेक्ट और द इफेक्ट बिकॉज ऑफ द बॉलवर्म्स. ठीक है, सो दैट न्यू कॉटन क्रॉप इज कॉल्ड एज अ बीटी कॉटन. ठीक है, ये हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी है इसको, सो दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं अब इसको, बिकॉज इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड. ठीक है, इसके अंदर जीन्स में चेंजेस लाके दी हैं. ठीक है, सो फॉरेन डीएनए टेकन फ्रॉम द बेसिलस थुरिंजियनसिस, बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरिंजियनसिस, दिस इज द स्पीशी ऑफ अ, दिस इज अ मेंबर ऑफ द जेनेसिस, दिस इज अ मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया, द बैक्टीरियल मेंबर बेसिलस थुरिंजियनसिस प्रोवाइड्स अ सर्टेन जीन विच रेजिस्ट्स द एक्शन ऑफ द बॉलवर्म्स. एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग इज कॉटन का क्रॉप पहले अटैक हो रहा था बॉलवर्म्स के साथ, वॉर्म्स अंदर आते थे, इनके अंदर सिक्रीशंस डालते थे, इनके फाइबर्स खुद के खत्म होने शुरू हो जाते थे एंड दे यूज टू टेक दोज केमिकल्स, बेसिकली दोज वर सर्व्ड बाय दोज केमिकल्स ऑफ द प्लांट आल्सो. ठीक है, तो प्लांट के केमिकल्स को लेने आते थे लेकिन खुद में कुछ सिक्रीशंस दे रहे थे जो कि इस क्रॉप को भी खराब कर रहे थे. तो इसको सारे को ट्रीट जेनेटिकली कैसे किया गया, अ जीन विच वॉज रेजिस्टिव. याद है आपको सबसे पहला जो हमने किया था डीएनए वाले में बायोटेक्नोलॉजी वन, मैंने क्या बोला था, देयर इज अ जीन विच इज ससेप्टेबल जीन, ससेप्टेबल इन अ कॉटन, है ना, दिस विल बी रिमूव्ड आउट, यहां से इसको कट कर दिया जाएगा, दिस जीन इज रिमूव्ड आउट रिप्लेस्ड बाय अनदर जीन विच इज टेकन फ्रॉम सम फॉरेन ऑर्गेनिज्म, मतलब अनदर ऑर्गेनिज्म, एलियन स्पीशी, एलियन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, स्पीशी तो नहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एलियन मीन्स फॉरेन, फॉरेन मीन्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ हमने इसमें इंट्रोडक्शन करवा दिया डीएनए का. ठीक है, डीएनए किस जीन का, पूरा डीएनए का नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट का. तो पहले ये ससेप्टेबल थी, ससेप्टेबल को निकाल दिया, फिर हमने जीन लगा दिया रेजिस्टिविटी का. अभी एक सेकंड.
Now what is working is in the whole DNA of this cotton, resistivity is working. Okay. So when the resistivity is working, means the bollworms, when they are going to come and attack the cotton plant, they are, the gene is no more going to be susceptible. Now it will be resistive to the action. ठीक है, रेजिस्टिव हो जाएगी. कैसे रेजिस्टिव होगी? ऐसा चेंजेस क्या है इसके अंदर कि वो बीटी कॉटन जो है, जो स्पीशीज जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, दैट हैज बीन चेंज्ड, दैट हैज बीन मॉडिफाइड, गिविंग राइज टू दिस रेजिस्टिविटी. बेसिकली दिस जीन विच वॉज आइसोलेटेड, ये जो रेजिस्टिव जीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द वन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थुरिंजिनेसिस, दैट क्रिएट्स सम ऑफ द protein crystals. The protein crystals, they are secreted, or you can say not secreted but produced. ठीक है, ये जो gene है, the extra gene which is, यहाँ पे लिखो, gene from the gene of interest from the bacillus thuringiensis, that will be introduced. ठीक है, that is introduced into the host cell. This further produces the protein crystals. These protein crystals, they are having the insecticidal properties. ये प्रोटीन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी है, दैट इज, इट इज इंसेक्टिसाइडल. इंसेक्टिसाइडल का मतलब क्या होता है? एक्शन अगेंस्ट द इंसेक्ट्स. ठीक है, किलिंग एक्शन, किलिंग एक्शन अगेंस्ट द इंसेक्ट्स, राइट. अभी तक बीटी जो है वो कॉटन के अंदर एक एक्शन क्रिएट कर रहा है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज का वाला प्रोटीन क्रिस्टल जो है वो सिंथेसाइज करेगा. ये प्रोटीन क्रिस्टल्स जब तक तो कॉटन प्लांट के अंदर है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे. इनएक्टिव को हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन की तरह ये रहेंगे. ठीक है, इनएक्टिव स्टेट प्रोटॉक्सिन स्टेट की तरफ, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहेंगे ये. ठीक है, लेकिन जब ये बॉलवर्म्स फिर से आए, इस कॉटन की क्रॉप को खराब करने लगे, खाने लगे, व्हेन दीज आर इनगल्फ्ड बाय, मींस व्हेन दे आर टेकन बाय, इनगल्फ्ड मींस खाए जाएंगे, अंदर बॉडी के अंदर लिए जाएंगे, व्हेन दे आर इनगल्फ्ड बाय द बॉलवर्म्स और द इंसेक्ट्स, जब ये बॉलवर्म्स ने खाए, तो इसमें एक्शन क्या होगा? जो गट लाइनिंग है इंसेक्ट्स की, बॉलवर्म्स की जो गट लाइनिंग है, दैट विल बी हैविंग सर्टन ऑफ द पोर्स, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी गट लाइनिंग है उसके ऊपर छेद होने शुरू हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज दिस प्रोटॉक्सिन विच वॉज इनएक्टिव गेट्स टू हैव एन एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट, दैट इज द वन विच इज गोइंग टू डैमेज अवर क्रॉप. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जीन ने रेजिस्टिविटी कैसे क्रिएट किया? व्हेन इट इज इनगल्फ्ड बाय द बॉलवर्म्स, दैट इज कमिंग इनटू द गट ऑफ द, एंटर इनटू द गट ऑफ, कौन सी, व्हेन इट हैज बीन एंटर्ड इनटू द गट ऑफ द इंसेक्ट्स, हैविंग द पीएच, दैट इज एल्कलाइन पीएच, हैविंग एल्कलाइन पीएच, they become active. पहले ये क्या थे? inactive. अब ये क्या हो गए? active हो गए. और जैसे ही ये active हो गए तो क्या करेंगे? What further action they are going to create? Yes, they are going to create the porous, pores will be created within the gut lining of the organism. Pores will be created. जैसे जैसे ये pores बनेंगे gut lining में, क्या होगा? Organism क्या है? वो खत्म होता जाएगा, मतलब वो अल्टीमेटली किल हो जाएगा. उसका एक्शन जो है, मोड ऑफ एक्शन जो है, वो तो खत्म हो ही रहा है. उसकी गट लाइनिंग में सारे पोर्स क्रिएट होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉक्सिन. टॉक्सिन इज व्हाट? दैट इज अ केमिकल हैविंग द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, हमने लिखा है. टॉक्सिन का मतलब क्या है? दैट इज अ वेरी डेंजरस केमिकल. ठीक है, सो व्हेन इनगल्फ्ड बाय दिस पर्टिकुलर बॉलवर्म, इट इज गोइंग टू क्रिएट द किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज लीडिंग टू द गट लाइनिंग, जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर चेंजेस कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, देयर बाय किलिंग द बॉलवर्म्स, एंड हेंस अवर क्रॉप, अवर होस्ट. ये पहले मैंने लिखा था ना, कॉटन इज व्हाट? कॉटन इज अ होस्ट. तो अवर होस्ट इज सेव्ड, एंड व्हाट इज किल्ड इज द इंसेक्ट्स, द ऑर्गेनिज्म विच वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ. नाउ इट्स अ परमानेंट क्योर. ठीक है, तो जितनी भी क्रॉप ऑफ बीटी कॉटन की लगाई जाएगी, उसमें सारे में क्या है? एक परमानेंट क्योर बन गया कि अब बॉलवर्म्स जितने मर्जी आके अटैक करें हमारे होस्ट प्लांट को, लेकिन वो खराब नहीं होंगे. इफ इट इज प्रोसेस्ड, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट. तो हाँ जी, क्लियर हुआ? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हुआ ये कि नहीं? यस,
द जीन विच इज कोडिंग दिस पर्टिकुलर, ये लिखा मैंने, द जीन विच इज कोडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चेंजेस, द जीन इज रिटन इन स्मॉल क्राई, ठीक है, स्मॉल क्राई फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, जीन है, जीन दैट विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, द प्रोटीन विच दे आर फॉर्मिंग, द प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाए ना उन्होंने, ये जो प्रोटीन ये बनाता है दैट इज रिटन इन द कैपिटल क्राई, दैट इज CRY। ओके, सो द क्राई जीन प्रोड्यूसिंग द क्राई प्रोटीन, ओके, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई, द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज क्राई, बोथ क्राई, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल क्राई एंड अ बिग क्राई, ओके, दैट इज द वन रिटन विद द स्मॉल अल्फाबेट्स एंड द वन विच इज रिटन विद द कैपिटल अल्फाबेट्स, क्लियर? हाँ जी, ओके, दिस इज वेन द क्योर हैज बीन मेड, an application of this biotechnology has been made against the insects. There is also another case that when there is a pest resistant has been, pest resistance has been generated, that is against a particular pest, that example is that of the host plant is our tobacco plant. Tobacco plant ke against ek pest ki growth ho rahi thi, that which is basically preventing the growth of or the yield of, there was a lack of the yield of the tobacco plant. So tobacco plant jo hai host hai, uske upar kaun sa pest attack kar raha tha, anyone? Mansi, Shivam, Tushar, Vidisha, anyone who knows which is the pest attacking the tobacco plant and how it has been cured? Yes, Tushar, one second. Anji, Tushar. Miladogyne incognita. Yes, it is Miladogyne incognita. Milado. मिलेडिगाइन होता है, मिलेडिगाइन इनकॉग्निशा, ठीक है, दैट इज अ पेस्ट विच अटैक्स द टोबैको प्लांट एंड हाउ इट इज क्योर्ड, कैसे इसको क्योर करेंगे, व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड एज, यस, पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए, एनीवन, व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड एज फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मिलेडोगाइन इनकॉग्निशा, a specific technique has been there, what is the name of that again, Tushar, nobody else, hanji Tushar ji bolo, RNA interference, RNAi, that is RNAi or I stands for interference, interference kiska, RNA ke sath interference kar dena, yani ki usually RNA jo hota hai wo single stranded hota hai, humne double stranded kar diya, हमने उस जीन को जहां पे एक्शन लिया जा रहा है, फिर से वही बात है, हमने हमेशा वो ससेप्टेबल और रेजिस्टिव जीन का ही हमने करना है खत्म, ससेप्टेबल जीन को हटाना है, रेजिस्टिव को लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ससेप्टेबिलिटी किसकी है, इस पेस्ट की, किसके ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर, होस्ट कौन है टोबैको प्लांट, हम इसमें किल करने के लिए यानी कि टोबैको प्लांट के अंदर चेंजेस लेके आएंगे ताकि जो मिलेडोगिन है वो आके अपना कोई एक्शन क्रिएट ना करे, हमारे टोबैको प्लांट के ऊपर यील्ड अच्छा है, है ना, मेन हमारा पर्पस तो यही है। तो अभी क्या किया जाएगा कि जो जीन आपको प्रोसेस याद करना पड़ेगा वापस फिर से, जो आपने टर्म वन में किया था, दैट इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज देयर, है ना, देन टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनती है, वो सारे करेक्टर फीचर्स, ऐसे ही हमारे पास अब यहाँ पे RNAs that which are basically mRNA transcription होती है ना, mRNA carrying the information, tRNA, rRNA, then synthesis of the protein, ये सारा हमने पढ़ा है ना, तो वहीं पे हमने क्या किया, जो RNA बन रहा है टोबैको प्लांट के अंदर, वहां RNA में उस जीन को साइलेंट कर देना है, उस जीन की ही साइलेंसिंग करवा देनी है जो कि एक्सप्रेशन दे रही है अगेंस्ट द मिलेडोगिन, ठीक है, अगेंस्ट द मिलेडोगिन मतलब जो मिलेडोगिन के एक्शन को ससेप्टेबल है। अब हम ससेप्टेबल वाली जीन को हटा के कोई रेजिस्टिव जीन नहीं लगा रहे, हमने वो नहीं किया, पर हमने क्या किया, जो आरएनए का जीन फैक्टर, लेट से दिस वाज अ स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए, हमने क्या किया, इसमें से उस सीक्वेंस को जो मिलेडोगिन के एक्शन को ले रहा है, ससेप्टेबल है, उसके एक्शन में हमने क्या किया, एक नवा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करवा दिया। जब वो डबल स्टैंडर्ड हो गया तो इसका एक्सप्रेशन ही लॉस्ट हो गया, इतने जीन का एक्सप्रेशन लॉस्ट हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन, बिकॉज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए वी हैव क्रिएटेड द एमआरएनए साइलेंसिंग, साइलेंसिंग कर दी इसकी,
ठीक है, साइलेंसिंग मतलब नाउ इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रैंड, इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इनटू अ न्यू फीचर, दैट इज अ प्रोटीन विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, दैट फीचर विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड व्हिच इज गोइंग टू गिव द एक्शन अगेंस्ट द मिलिग्लोबिन. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस. ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उन दोनों में ये उन सब में ये दो क्वेश्चंस तो पक्का से रहे. ठीक है, वन दैट इज हाउ विल यू गेट द रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स द पेस्ट, गिव एग्जाम्पल, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल द होल टेक्निक. ठीक है, ऑल्सो हाउ कैन यू गेट द रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स द इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये दूसरी तरफ क्वेश्चन बोर्ड्स में यूजुअली सेट वाइज पेपर आता है ना, तो उसमें ये सेट्स में अलग अलग सेट में यहाँ पे चेंजेस कर दी जाती थी, वन फॉर द पेस्ट रेजिस्टिविटी अनदर फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आरएनए आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस. ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं, इस पे से भी क्वेश्चन आता है कई बार, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. This is also an example of the cellular defense. ये भी बहुत important term है. This is RNA interference that occurs as a method of cellular defense in the eukaryotic organisms. In all the eukaryotes, eukaryotic organisms में ये self defense काम कर रहा है, sorry, cellular defense की तरह काम करता है. ठीक है, thereby silencing a part of the RNA which is going to express for the gene that is going to code for the susceptibility of this particular organism's action, and hence हुआ कैसे ये, बाय क्रिएटिंग द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने बनवा दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से एमआरएनए ने एक्सप्रेशन ही नहीं दिया. ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? ये दोनों क्लियर हैं, आरएनए इंटरफेरेंस एंड बीटी कॉटन. एनी डाउट, एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड विद ईशा मानसी? हाँ जी बच्चे, anything about the insect and the pest resistivity? Okay, done. Now the next is genetically engineered further technologies which has been creating the genetically engineered. Next is insulin. ठीक है, जो insulin बना, genetically engineered insulin तैयार हुआ. genetically engineered insulin बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? पहले तो जब भी identify हुआ कि जो persons हैं, human persons हैं, those which are having the lagging of this insulin is there in their body, because of which the blood sugar level cannot be controlled, means they suffer with the diabetes. Now the ones they are suffering with the diabetes, they are to be treated. ठीक है, severe अगर diabetes हो जाता है तो insulin के injection लगते हैं, ये भी हमें पता है. तो insulin कहाँ से isolate होगा? एक patient को, एक human person को treat करने के लिए दूसरे human person से insulin लेना was not a good idea. ठीक है, सो इट वॉज थॉट टू गेट इट फ्रॉम द सम अदर सोर्सेज अदर देन द ह्यूमंस. सो व्हाट वॉज द अदर सोर्स इनिशियली मेड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द इंसुलिन? यस, व्हाट वॉज द सोर्स इनिशियली मेड फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन? यस शिवम, हाँ जी बोलो. मैम, स्लॉटेड पिग्स के पैनक्रियास से. स्लॉटेड पिग्स और द कैटल्स. ठीक है, तो जो स्लॉटेड पिग्स और कैटल्स हैं उनमें से लिया गया, बट इट वॉज नॉट सुटेबल टू ऑल. व्हाट हैपेंड? What was the problem which was faced by these patients or for after using the slaughtered pigs insulins? What were the various drawbacks of it? Why this practice did not continue? Why they could have been looking for something new or a new technology to produce this insulin, genetically engineered insulin? Anji Tushar. Because of allergic response in some persons. Because of the allergic responses, that is, they were producing certain of the allergies were noticed within the patients. That is why this is the slaughtered pigs or the cattle's source was rejected. Then finally, which company step ahead to form the insulin and how they did it? Name the company and how did they produce the genetically engineered insulin? Anji Shivam, bolo. मैम, एली लिली थी, वो उसने ह्यूमिलिन बनाया था. एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, क्या बनाया था उन्होंने? ह्यूमिलिन बनाया था, आर्टिफिशियल इंसुलिन. ए और बी चेंज के डीएनए बना लिए थे. ए और बी
चेन्स बनाई थी उन्होंने इंसुलिन वाले स्ट्रक्चर्स की, और फिर इंट्रोड्यूस कर दिया था ई कोलाई में, ताकि वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाए. अगर एक एक करके चेन बनाने बैठ जाते हैं फिर तो बहुत साल ही लग जाते हैं इंसुलिन को बनाने में, है ना. गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो ई कोलाई के अंदर डालने के बाद हमें आरडीएनए कहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये एली लिली कंपनी ने किया तो है, अमेरिकन कंपनी है एली लिली, लेकिन इसने किया कहाँ पे है, मतलब वेयर इट हैज इनिशियलाइज्ड दिस, सॉरी वेयर इट हैज यूज्ड द प्रोसेस ऑफ दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, आरडीएनए या बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ लगाया उन्होंने. एज दे सिंथेसाइज ए एंड बी चेन्स सेपरेटली, अलग अलग इन्होंने सेपरेटली चेन्स प्रोड्यूस करी, और जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया इकोलाई के अंदर, इकोलाई के अंदर डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद बहुत सारी कॉपीज ऑफ ए, बहुत सारी कॉपीज ऑफ बी ऑब्टेन हो गई, एंड देन देवर विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्डिंग देवर कम्बाइंड टूगेदर. ठीक है, वो बाद में एज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज इंसुलिन, प्रॉपर इंसुलिन की फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर में इसको कम्बाइन करा गया, यूनाइट किया गया. ओके, देयर इज ऑल्सो इन कंसर्न टू द सेम, देयर इज ऑल्सो वन प्रोसेस कॉल्ड एज मैच्योरेशन. कैन एनी वन टेल मी वट इज मैच्योरेशन इन कंसर्न टू द सेम टॉपिक, वट इज मैच्योरेशन. हाँ जी, अगेन द सेम पीपल आर रेजिंग द हैंड्स, वट अबाउट द अदर्स, हैव यू नॉट लर्न स्टिल? हाँ जी, हैव यू नॉट स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स ऑफ दिस एग्जाम सिलेबस? तुषार बोलो. Removal of C-peptide from immature insulin. Yes, from the pro-insulin, है ना? Pro-insulin क्या है? That is एक structure जिसके अंदर A chain, B chain plus साथ में ये A chain और B chain ऐसे है, plus साथ में एक extra chain है, that is a C-peptide. यहाँ से लेके यहाँ तक एक extra chain है C-peptide. इसको remove करना है, ठीक है? So this structure that is initially having the A peptide, B peptide connected with the disulfide bonding, ये इस तरह से structure available था, लेकिन ये एक mature human के insulin के जैसा नहीं होता as it is synthesized, ठीक है? जब ये बनता है तो it is in the form of an immature insulin, pro insulin की form में. So having the A peptide, B peptide, but in between it is also having a extra chain which is called as a C peptide. So pro insulin से इंसुलिन को बनाना, तो दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज मैच्योरेशन. प्रो इंसुलिन से, मैच्योरेशन से हमने क्या किया, इंसुलिन में इसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ मैच्योर इंसुलिन बना दिया बाय रिमूवल ऑफ दिस पर्टिकुलर चेन, दैट इज सी चेन को अलग कर दो, ए और बी दो चेन इकट्ठी रखो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई, लेकिन सी इमेच्योर प्रो इंसुलिन में से निकाल के मैच्योर इंसुलिन बनाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in your subjectives, it has been there for so many years, right? But this is we are discussing the important questions from the board CBSE, hai na. Every time I keep on saying ki ye boards mein aaya hua question, ye boards mein aaya hua hai bahut baar, to ye question jo ek to pehle to jo bahut baar hi aaya hua hai, wo questions to hamare utmost importance wale hain, wo to humne karne hi hai. Dusri cheez, jo questions ab aayenge aapko sample paper ke accordingly, wo direct nahi aayenge, इनडायरेक्ट आएंगे, पर कहीं ना कहीं उनका लिंक तो यही वाला होगा ना. इफ दे आर लेट्स से आस्किंग यू विद अ स्टोरी, ये पूरा का पूरा उन्होंने डाल दिया कि पेशेंट हुआ डायबिटीज का, हुआ उसको इंसुलिन चाहिए था, फिर मतलब लोगों ने साइंटिफिकली उसको ढूंढने की कोशिश करी, इट वाज फाउंड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म बट कुड नॉट बी गिवन विद एलर्जीज, बिकॉज वो एलर्जीज के साथ रहता है, एलर्जीज होती है उससे जो भी है, तो ये कहानी बना के डाल दिया. अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या ढूंढने को बोला कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कैन बी अ जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन. कैसे बनाया गया, कैसे पता चला इसके बारे में, किसने पहले बनाया था, कैसे बनाया था, क्या फायदा लिया था, कहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी यूज की थी, तो ये चीजें आपको पॉइंट्स में, क्वेश्चन के सब पार्ट्स में पूछी जानी है. अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो उसी कंटेंट से बनने हैं जो ऑलरेडी तुम्हारी बुक्स में है, भले ही उसमें पेपर इनडायरेक्ट आएगा, भले ही उसमें क्वेश्चन जो है वो सीधे नहीं आएंगे, लेकिन वो आएंगे तो उसी कंटेंट से ना. तो वी शुड नॉट बी लाइक जस्ट आफ्टर दिस कि पता नहीं क्या आने वाला है एंड हाउ वी आर गोइंग टू फेस इट. ठीक है, एवरी टाइम आई एम ऑल्सो सेइंग द पेपर इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल, पेपर इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल, मीन्स वॉट इट इज जस्ट द क्वेश्चन विल बी अ बिट लेंथी, क्वेश्चन इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा समझने वाला होगा, थोड़ी कहानी होगी, थोड़ी समझा के आपको माइंड में एक स्टोरी क्रिएट, स्टोरी लाइन क्रिएट करके एक आंसर पे लीड करना होगा, दैट्स इट. बट चीजें तो वही होंगी जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है? तो उसी में से कहीं से ढूंढना है आपको आंसर.
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द मेडिसिनल फील्ड. देन देर वॉज इन अ मेडिसिनल फील्ड देर वॉज ऑल्सो वन अनदर टेक्नोलॉजी विच हैज प्रैक्टिस्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द diseases that a person gets genetically. What is that treatment called as? Agar hum biotechnology ka role dekh rahe hain in medicine, one is from the genetically engineered insulin. There is another treatment of some genetical disorders, genetical problems, diseases. To unko kaise treat karwaya ja raha hai? Kya technique ka naam hai? What is the name of that technique which is used to treat the genetical disorders? Yes. Yes, tell me. What is the name of the technique which is used to treat the hereditary diseases? In simple, we say. Anji, hereditary diseases ko treat karne ke liye kya hai? Technique ka naam, specific name of the technique. Shivam, Tushar. No idea. Yes, raise your hand. Don't know the answer. Technique to treat the hereditary diseases through this RDNA technology or using the biotechnology. अब फिर से वही चीज देखो, चैप्टर में चीजें तो उतनी सी हैं, ले दे के हमारे पास मसाई छह या सात टेक्निक्स होंगी मसाई, है ना, पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स हमने पढ़े छह या सात टॉपिक्स कुल मिला के पूरे हैं. तो अगर उसमें भी आप लोग ये नहीं लोकेट कर पा रहे हो कि हेरिडिटरी डिजीजेस के लिए कौन सी टेक्निक है, तो दिस इज रियली डिफिकल्ट. मैंने तो सिंपल लैंग्वेज में पूछा हेरिडिटरी डिजीजेस को ट्रीट करने वाले कौन से हैं, बताइए टेक्निक्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको. तुषार, व्हाट अबाउट शिवम, शिवम जी बोलो, शिवम आप बोलो. हाँ जी बोलो. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. एंड व्हाट वाज द केस स्टडी ऑफ दिस जीन थेरेपी? हाँ जी, इज देयर एनी जीन थेरेपीज केस स्टडी? और व्हाट इज दिस डिजीज, पहला डिजीज कौन सा था जो इसमें ट्रीट किया गया था? हाँ जी शिवम. मैम वो थी एडिनोसाइन डीएमिनेज वाली डिजीज थी, एडीए डेफिशिएंसी. एडीए डेफिशिएंसी दैट इज एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी. इससे होता क्या था? व्हाट इज, मैम इसमें बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही डैमेज हो गई थी, तो उसके अंदर से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है. एंड देयर इज अ केस स्टडी ऑफ अ अशांति डी सेल्विया ऐसे ना लड़की थी कोई, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, है ना. हां जी 4 ईयर ओल्ड गर्ल. शी वाज ट्रीटेड विद दिस एज द डीएमिनेज. दिस इज द एडिनोसिन डीएमिनेज एज मींस एंजाइम. ठीक है, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई थी जिसकी वजह से इम्यूनिटी सेल्स जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स वो बनते नहीं थे. तो अब यहाँ पे क्या किया गया, उस एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया गया टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंड हेंस इनटू द पेशेंट. और जब वो एंजाइम उसकी बॉडी के अंदर इंड्यूस हो गया, इट क्रिएटेड द इम्यूनिटी, इट स्टार्टेड क्रिएटिंग द टी लिम्फोसाइट्स एंड दिस वाज ट्रीटेड बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब ये सबसे पहली जो एक हेरिडिटरी डिजीजेस को ट्रीट करवाने वाला जो कंसेप्ट है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो भी चला था. तो जीन थेरेपी में हमारे पास एक केस स्टडी आती है 4-year-old गर्ल की. She was a sufferer of this ADA deficiency, that is adenosine deaminase, ठीक है? And treating her with this क्या कहते हैं, genetically modified treatment, पूरा genetical engineering treatment के साथ इसको help किया treatment लेने में, and hence she was capably free of the disease. मतलब उसको properly उस disease से जो है वो खत्म हो गया, वो disease खत्म हो गई, problem खत्म हो गई, and then it started creating the immunity within her body. ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है आफ्टर दिस जीन थेरेपी. हाँ जी क्लियर, राइट. सो दीज टू टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस वी विल बी डिस्कसिंग, थोड़े से टॉपिक्स हैं, विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर ऑन मंडे. मंडे यू विल बी हैविंग द टेस्ट, राइट, दैट इज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1, एंड विल कंटिन्यू दिस ऑन ट्यूजडे, राइट.